ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة بطة بطة هي دم بدن تيرا صلاة بطة بطة هي دم بدن تيرا نادم يا بكرمان وأظهر كنجينا خدا يا بركة بني فاطمة كبر قومي ما كمي خاطر اعلان کر دو صدا لگا دو جو بھی جس حال میں ہے اللہ کے رسول
कि अगर तुम ऐन नमाज की हालत में भी हो, नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाए, उस नमाज की हालत में हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। यानी दो रकात पढ़ चुके हैं, दो रकात बाकी है, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू कर लो, फिर उसके बाद वापस चले जाओ, अपनी नमाज वाली जगह पे खड़े होकर जो दो रकात पढ़ी है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि दो रकात वो बाकी है कि वो पूरी कर लो, तुम्हारी नमाज अकमल हो जाएगी। क्यों? अगर वैसे नमाज पे पढ़ रहे काबे से रुख मुड़ जाए तो नमाज टूट जाएगी ना, बैतुल्लाह से रुख मुड़ जाए, मुस्तफा मशरिक की जानिब है, मुस्तफा मगरिब की जानिब है, मुस्तफा शुमाल की जानिब है, मुस्तफा जुनूब की जानिब है, तुम्हें भुला ले, अपने रुख काबा से फेर कर काबे के काने की तरफ कर दो, फिर भी तुम्हारी नमाज नहीं, क्योंकि ये काबे का काम है, ये काबे का काम। मेरे आका ने सलातो सलाम दी और बाद बिलाल ऐलान कर दो, हजरत बिलाल ने हबशी ने ऐलान कर दिया, जब ऐलान कर दिया आओ अल्लाह का रसूल तुम्हें खदमे के लिए बुला रहे और दौड़े आ रहे सहाबा के पास, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सलात गुस्ल की हाजत थी, गुस्ल करना बाकी था, लेकिन जब पैगाम मुस्तफा पहुंचा है हजरत हमजा ने कहा अगर गुस्ल करता हूँ नहाता हूँ घर के अंदर देर हो जाएगी, मुस्तफा की बारगाह में जाने में देर नहीं करनी चाहिए। हजरत हमजा उठे, उठकर फौरी तौर पर जमात के साथ शामिल हो जाते हैं, जमात गज़वे की तरफ रवाना हो जाती है, जब गज़वा शुरू हो जाता है उसी के अंदर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला जामे शहादत नोश फरमा लेता है। जब जंग खत्म हो गई जो हमारे हैं उठा कर लाओ, उनके गुस्ल का इत्मीनान, उनकी तज़कीन का इत्मीनान, उनकी नमाज़े जनाज़ा का इत्मीनान किया जाए। मुसलमानों के जो शहादत का दर्जा हासिल कर चुके हैं उनकी मैयतों को उठा उठा कर नबी के कदमों में ला रहे हैं। जब हुज़ूर की बारगाह में लाने लगे मेरे आका ने सलातो व सलाम ने फरमाया गुलामो हंजला कहा है तो हंजला को तलाश करके आओ। सहाबा जाते हैं मैदान में, देखते हैं हंजला नजर नहीं आता, लाशों में नजर नहीं आया, मैयतों में हंजला नजर नहीं आता, जख्मियों में हंजला नजर नहीं आता, तंदुरुस्तों में हंजला नजर नहीं आता, मैदान के अंदर हजरत हंजला नजर नहीं आ रहे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो आस पास से पानी को नहीं टपक रहा, मौला बुलाद की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस पास से चंद कदरे पानी के टपक रहे हैं। फरमाया ये वो हंजला है जो नबी के बुलाने पर अपने आप को फौरन हाजिर कर दिया, फिर हाजिर होकर अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर दिया। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल की हाजत थी, अल्लाह तआला ने हजरत हंजला को आसमानों पर फरिश्तों से गुस्ल दिलवा दिया है। कोई मोमिन मुसलमान आकर गुस्ल देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हंजला के गुस्ल का इंतजाम कर दिया, फरिश्तों को हुक्म दे दिया, फरिश्तों ने जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले गए। हजरत हंजला को गुस्ल अल्लाह के नूरी मलाइका ने दिया, ये पानी के कतरे हजरत हंजला के गुस्ल के पानी के कतरे थे। नबी के बुलाने पर आ जाता है, अपने आप को हाजिर कर देते हैं, आप जितने भी आए नबी के बुलाने पर आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं कोई जिनको सरकार बुलाते हैं। आप जितने भी आए सारे नबी के मेहमान बनकर आए, नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल रहे, हुजूर की बारगाह में सहाबी रसूल आ रहे, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी। अब सहाबी का अकीदा था, उस सहाबी को इल्म था कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन का पता है कि कयामत कब आनी है। अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज कर के अल्लाह के महबूब कयामत कब आनी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलान कयामत का सवाल करने वाले, कयामत के बारे में मालूम करने वाले, जरा ये तो बता के कयामत के लिए तैयारी कितनी की है। अब गुलाम हो रसूल का
गुलाम हो रसूल पर क्या उसने नमाजें नहीं पढ़ी होगी, उसने कुरान में तिलावत नहीं की होगी, उसने सदकात और खैरात नहीं की होगी, उसने इबादत नहीं की होगी, रोजे नहीं रखे होंगे, क्या नहीं नबी का गुलाम तो नमाज को कजा नहीं होने देता, कुरान की तिलावत उसकी कजा नहीं होगी। मेरे आका अली सलात व सलाम ने फरमाया गुलाम ये बता कयामत के लिए तैयारी कितनी की है। गुलाम अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़े नमाजों पढ़ ला दे, रोजों पढ़ ला दे, कुरान की तिलावत पढ़ ला दे, सदकात और खैरात पर नाज नहीं है, बस या रसूल अल्लाह अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में रखता हो, अल्लाह की अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सब मोहब्बत करने वाले ये मोहब्बत की दलील है। फरमाया रहमत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए गुलाम कितनी मोहब्बत करता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युक्रु अहदुकुम हत्ता अबूला हब्बा इलैहि मिन वालिदी व अहलिही व नास अजमईन। फरमाया तमाम लोगों से बढ़कर अपने माँ बाप औलाद बेटों से रिश्तेदारों से तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत कर लिए तो दिल में मोहब्बत रसूल सजाने बेड़ा पार हो। हम रसूल से मोहब्बत करते रसूल के साथ, हम नबी के सहाबा से मोहब्बत करते नबी के सहाबा के साथ होंगे, नबी की आग से मोहब्बत करते हैं नबी की आग के साथ होंगे, क्योंकि हम अल्लाह के वलियों से मौसे आदम से मोहब्बत करने वाले मौसे आदम के साथ होंगे। वह सुनिया तो अपने मुकद्दर पे याद करो, नबी की मोहब्बत भी तुम्हारे हिस्से में है, नबी के सहाबा की मोहब्बत भी तुम्हारे हिस्से में है, नबी की आग की मोहब्बत भी तुम्हारे हिस्से में है, और नबी के मिंबर के वलियों की मोहब्बत भी तुम्हारे हिस्से में है। हो गया घर में चला गया बिस्तर पर लेट गया अलग में हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुलाओ
की अजादत के लिए और किसी बीमार की अजादत करने के लिए चलोगे जितने कदम उठाओगे उतने कदमों के बदले गुनाह माफ हो जाएंगे। जो भी नबी का तरीका प्यार करेगा मेरे हमारी के आगे चले दरवाजे में पहुंचे। जब दरवाजे में पहुंचे तो पहले गुलाम दरवाजे की तरफ जवाहर जवा जमा कर देख रहा है शायद मेरा महबूब आ जाए, मेरा महबूब आ जाए, मेरा जान आ जाए, मेरा दिल भर आ जाए। बस प्यार देखा, प्यार खुशी की प्यार मेरी जिसका चेहरा आसमान के चाल से ज्यादा हसीन और जमील है और जो वो बात करने वाला मुस्तफा के सरसिन जो बात करता है वो अल्लाह के अल्लाह का बयान अपनी जुबान पे जारी करता है। इन हुआ इल्ला वहुम युहा के मुताबिक गुफ्तगू करता है। कहा जो मुस्तफा कहते हैं अमल कर लो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ा, इधर फरिश्ता रूह कब्ज करने आ गया।